1500 की परमिशन थी, और जिस भीड़ को आप कह रहे हैं वो भीड़ तमाशबीन थी, वो चलते हुए लोग रुक जाते हैं, क्या हो रहा है तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। अगर आप गिनती करोगे तो मेरे मंच पे 1500 से कम लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अयोध्या को लेके आपने कहा कि अयोध्या को लेके कि कुछ लोग आए थे वहाँ पे और अयोध्या में मंदिर पे मुस्लिम बन के आए थे, और उत्तर प्रदेश शासन ने उस पे कोई कार्रवाई नहीं की, मन से आप नहीं कहता? मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई की, उस साजिश को नाकाम किया जो हमारे उत्तर प्रदेश को जला सकता था, दंगे करा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने उस साजिश को नाकाम किया और उत्तर प्रदेश को जलने से बचा लिया। इसके लिए योगी जी का धन्यवाद। और इसकी इस किस्म की कई वारदात हुई हैं, बरेली में भी एक ऐसी वारदात हुई है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि राजधर्म अगर निभाया, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, आप अपना काम अच्छी तरह से कीजिए, हमें तवज्जो मत दीजिए। अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, हमारा कोई न विरोध है न कोई आपसे मांग है। भविष्य के लिए कोई शुभकामनाएं योगी जी के लिए? भविष्य के लिए मैं नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनके सद्बुद्धि के लिए दुआ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हैं। मैं ये चाहता हूं कि तारीख में, इतिहास में वो धृतराष्ट्र की हैसियत से याद ना किया जाए, और वो कुछ अपने देश के लिए अच्छा कर सके, ये मैं कामना करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।